अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चिल्ली, जो कि बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। इधर हमने 600 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में इसका ये देखिए ऐसा पीस बना लिया है चिकन का, और अच्छे से हमने इसको धुल के ले लिया है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये देखिए 2 चम्मच हमने अदरक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, विनेगर लेंगे 2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 चम्मच, एक अंडा लेंगे, अंडे को भी ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच से कम ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमने इसको देखिए मिक्स कर दिया है बढ़िया सा। अब इसको हम रख देंगे कम से कम 1/2 घंटे से ऊपर, 40 से 45 मिनट इसको हम रख देते हैं रेस्ट पे। अब ये देख लीजिए, इधर हमने सारी चीज़ें ले लिया है। एक बड़ा साइज़ का ऑनियन, लहसुन, अदरक, हरी प्याज की पत्ती और एक शिमला मिर्च, और इधर हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। ऐड कर दिया हमने, हरी पत्ती को भी कट कर लेते हैं। ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको बारीक कट कर लेना है। प्याज को भी बारीक कट कर लिया था और लहसुन अदरक को भी बारीक चॉप कर लिया था हमने, बारीक उसको भी कट कर लेना है लहसुन अदरक को भी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, आज के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और अपना ये जो चिकन लिया था इसको हम फ्राई करने स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए चिकन हमारा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। करके दूसरा भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। टेम्परेचर हमने ठंडा पानी लिया है, ठंडा नहीं है रूम टेम्परेचर है, 1.5 कप लेंगे इससे। ये देखिए 1.5 कप पानी हो गया, 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच लेंगे चिल्ली सॉस,
दो चम्मच सोया सॉस, टमाटो केचप दो चम्मच, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे एक चम्मच और ये दो चम्मच, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे बढ़िया से। जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था वही तेल लिया है, सारा तेल हमने निकाल दिया, बस एक चम्मच हमने तेल लिया है, अब इसी में बनाएंगे हम। अब ये ओनियन का जो वाइट वाला पार्ट था, ये वाइट वाला हिस्सा, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। इसके बाद लहसुन और अदरक को भी ऐड कर देना है, इसको एक मिनट के लिए भून देते हैं। हरी मिर्च इसको भी ऐड कर देंगे, प्याज, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। हरी प्याज को हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, भून लेते हैं, पकाना नहीं है इसको, सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है। अब ये देखिए दो मिनट हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो दिया था जो लिक्विड जो बना के लिया है, इसको पूरा ऐड कर देना है। ग्रेवी हमको ज़्यादा रखना था इसीलिए हमने पानी ज़्यादा रखा था, बस हमको ग्रेवी चाहिए था इसमें। अगर आपको सूखा बनाना है तो आप एक ही कप लीजिएगा पानी। एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे हम, बस इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। पहले आधा चम्मच नमक ऐड करना है जो कि हम भूल गए थे बताने को। अभी देखिए ग्रेवी हमारा पक गया है, इसमें सारा चिकन हम ऐड कर देंगे। आज के फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। ऊपर से ऐड करेंगे हरा ओनियन, अभी हमारा चिकन चिल्ली बनके तैयार हो गया है। अब ये देखिए हमारा ये चिकन चिल्ली बनके तैयार हो गया है, बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और झटपट बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ये देखिए बहुत इजी और आसान तरीके से बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।